अब ये मत कहिएगा कि आप इन्हें नहीं जानते। बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या अपनी उम्र के सबसे तेज तर्रार नेताओं में से एक माने जाते हैं। नफरती बयान देने के मामले में तेजस्वी सूर्या जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं ना, लोग उनके बीजेपी में लंबे राजनीतिक करियर की अभी से भविष्यवाणी करते हैं। अब जिस नेता में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को इतनी संभावनाएं दिखती हों, अगर वो फ्लाइट का इमरजेंसी दरवाजा एवं बिना मतलब खोल देते तो कौन सी बड़ी बात है। दोस्तों, जिस गलती के बाद बीजेपी के सांसद पर पुलिस केस होना चाहिए था, उनकी शिकायत थाने में होनी चाहिए थी, उसको करने के बाद न केवल वो खुला घूम रहे हैं बल्कि विपक्षी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उसे दबाने की भी पूरी कोशिश की गई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक आर्टिकल शेयर किया जिसमें साफ लिखा है कि 10 दिसंबर को तेजस्वी सूर्या चेन्नई से एयर इंडिया की फ्लाइट में उड़ान भरने के लिए बैठे। फ्लाइट शुरू होने से पहले हमेशा की तरह एयर होस्टेस हवा के दबाव, सीट बेल्ट और इमरजेंसी डोर की जानकारी देती है। आप बैठे होंगे फ्लाइट में, वो एक आम बात है। तभी तेजस्वी सूर्या को न जाने क्या सूझा, अचानक उठे और जो उनकी सीट के बगल में इमरजेंसी एग्जिट था उसको खोल दिया। ऐसा करके उन्होंने खुद की और जितने लोग उस फ्लाइट में बैठे हुए थे ना, इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स, सबकी जान आफत में डाल दी। दोस्तों, फ्लाइट में बैठे एक चश्मदीद बताते हैं कि जैसे ही तेजस्वी सूर्या ने इमरजेंसी एग्जिट खोला बिना मतलब के, पूरे विमान में अफरा तफरी मच गई। सारे यात्री जो उड़ान भरने के लिए बैठे हुए थे अंदर, उन्हें वापस उतारा गया। इमरजेंसी डोर ठीक से चेक किया गया कि कहीं गलती से कोई चूक ना हो जाए, गलती से खुला ना रह जाए। दोस्तों, तेजस्वी सूर्या कोई पहली बार फ्लाइट में सफर तो कर नहीं रहे थे, तो फिर उनके दिमाग में कौन सी सनक आई कि उन्होंने ऐसी हरकत की। खबर में तो ये भी लिखा है कि बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष की इस हरकत की वजह से फ्लाइट पूरी 2 घंटा डिले रही और 2 घंटे बाद तेजस्वी सूर्या को बस सीट बदल कर उसी फ्लाइट में सफर करने की इजाजत दी गई। यूथ कांग्रेस ने ट्वीट किया है, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने विमान के सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया, DGCA चुप क्यों है, उनके खिलाफ कोई जांच क्यों नहीं की जा रही। इस पूरे मामले में बीजेपी और तेजस्वी सूर्या की जब किरकिरी बढ़ी तो नागरिक उड्डयन मंत्री खुद मैदान में आ गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि तेजस्वी सूर्या से इमरजेंसी डोर गलती से खुल गया था, जिसको लेकर उन्होंने बाद में माफी भी मांग ली थी। तो सवाल ये कि अगर ऐसी गलती किसी आम आदमी से हो जाए तो क्या उसे भी इतनी आसानी से माफ कर दिया जाएगा। ये मत सोचिएगा कि बीजेपी सांसद की ये हरकत छोटी है। साल 2019 और साल 2017 में अलग अलग वक्त में पैसेंजर्स ने ऐसी हरकत की थी। उस वक्त एयरलाइन ने तुरंत यात्रियों को उस फ्लाइट से बाहर निकाला था, थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, क्योंकि फ्लाइट में बिना मतलब इमरजेंसी एग्जिट आप खोलते हैं तो आप एक अपराध कर रहे हैं। ऐसा करके आप अपने साथ साथ फ्लाइट पर बैठे सारे लोगों की जान आफत में डाल रहे हैं। लेकिन ये मामला अलग था, क्योंकि यहाँ कोई आम आदमी थोड़ी ऐसी गलती कर रहा था, यहाँ तो खास आदमी, वो भी बीजेपी युवा मोर्चा और बीजेपी के सांसद ऐसी गलती कर रहे थे। दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी की तो ये बात है कि जिस गलती की वजह से तेजस्वी सूर्या पर एक्शन होना चाहिए था उसे दबाने की कोशिश की गई। ना एयरलाइंस ने एक्शन लिया, ना DGCA ने एक्शन लिया। वो तो शुक्र मनाइए कि विमान ने टेक ऑफ नहीं लिया था, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। दोस्तों, ये बहुत 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 गंभीर मामला है। बस ऐसे ही मजाक में बीजेपी सांसद की एक गलती न जाने कितनों की जान खतरे में डाल सकती थी, तो फिर ऐसी गलती के लिए उन पर एक्शन क्यों ना हो, ताकि दूसरा कोई भी ऐसी हरकत करे तो उससे पहले 1000 बार सोचे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी, और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हर वीडियो में हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।